हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज के जो हिंदी क्लास में हम टॉपिक ले रहे हैं अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश जो है आपको एक पूछा जाता है, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनसीन पोएम जिसे हम कहते हैं। तो अनसीन पोएम पद्यांश के बारे में हम कुछ एक पहले टिप्स या ट्रिक्स की बात करेंगे, जिनको हमें बहुत ही ध्यान में रखते हुए चलना है जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन बातों को ध्यान जो बातें आपको ध्यान में रखनी है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है अपठित पद्यांश के, अनसीन पोएम की, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हो शायद या कभी पढ़ा भी नहीं हो। तो आपको उसको पढ़ के जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके आपको आंसर्स देने होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के पद्यांश को या पोएम के जो अनसीन पैराग्राफ को या अनसीन पोएम को सॉल्व करना होता है, तो आप जो भी उसमें क्वेश्चंस पहले दिए गए हैं पहले उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। क्यों उनको पढ़ना है? क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि पहले हम उसके उस पोएम को पढ़ें, फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस को पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमें फिर से पोएम को पढ़ना ही है एक या दो बार। तो उसके लिए, उस टाइम को सेव करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो है उस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पढ़ लीजिए। और उनको पढ़ते हुए जब भी आप इसको रीड करोगे, चाहे पोएम को रीड कर रहे हो चाहे क्वेश्चन आंसर को रीड कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान जो है उसी पे होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। यू हैव टू रीड इट विद फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन रीड करने के बाद जो है अब आपने उस पोएम को पढ़ना है। पोएम को पढ़ने के बाद आपने उस पोएम में किस बारे में बात हो रही है उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मोस्टली जो है आपसे पोएम में उसका टाइटल भी एक क्वेश्चन पूछा होता है कि व्हाट विल बी द टाइटल फॉर दिस पोएम, जो उपयुक्त शीर्षक होगा इस पद्यांश के लिए वो आपके वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्या होना चाहिए, ठीक है, तो या क्या होगा, तो आपको जो है अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में नहीं रख के आंसर देना है, जबकि आपको जो पोएट है, जो कवि है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आंसर्स देना है उन क्वेश्चंस का। अगर आपसे ये पूछा गया है कि आपके अनुसार, ठीक है, या आपके जो भी मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझ रहे होंगे आप इससे कि आपके अनुसार जो है क्या होना चाहिए, तब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे लेके चल सकते हो। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं पूछा जाता है, हमेशा जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछे जाते हैं और आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू लेके जो है आंसर्स देने हैं, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग वहाँ पे चल रही है, उसके जो विचार हैं उनको ही ध्यान में रखना है। और जो टाइटल होता है उसका चुनाव जब आप करोगे तो वो पूरे जो भी पोएम दी है वो उस पे फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पोएम के जो 2 या 3 लाइंस पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा है कि ऑप्शन में से ये टाइटल शायद उपयुक्त होगा या ये टाइटल सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पूरे पोएम के ऊपर वो टाइटल जो है वो सूटेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो पूरे पोएम को सूट करना चाहिए, ना कि कुछ एक लाइंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टाइटल को चूज़ करने के लिए, एक शीर्षक का चयन करने के लिए, जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए गए होते हैं। और उसके साथ साथ तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ और कोई ऐसा कोई भी ऐसा टिप नहीं है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस ही जो है वो आपको ये सॉल्व कराती है। और इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, जिनके लिए आपको पोएम को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। जैसे कि किसी वर्ड का वो क्रिया या जो भी सर्वनाम विशेषण, इस तरह से जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो पोएम आपके सामने है, डिस्प्ले पे है, हम उसके जो कुछ एक लाइंस हैं उनको रीड करते हैं, ठीक है। तो रीड करने से पहले मैंने आपको बताया है कि टाइम को सेव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चंस को रीड करेंगे। इस पद्यांश के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि इस पद्यांश का जो है शीर्षक होगा, ठीक है। तो आपके अनुसार नहीं पूछा गया है, जनरल पूछा गया है कि शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक में हमें जब भी पोएम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पूरे पोएम पे जो सूटेबल होगा वो शीर्षक इसका लेना है,
पद्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है, ये हमें पैराग्राफ पढ़ने पता चला गया। तो मतलब हम क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें जब पोएम पढ़नी है तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पोएम को पढ़ना है। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं पोएम में मिल रही है, वहीं पर हमें उसको थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम में आप अंडरलाइन कर सकते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको उस लाइन को ध्यान में रखना है। भिखारी की इच्छा है, ठीक है, सोना पाने की, पैसा पाने की, अनाज पाने की या कपड़ा पाने की, तो ये भी अब आपको क्लियर हो जाएगा जब आप पोएम पढ़ोगे। बच्चे भिखारी के साथ क्यों हैं, घूमने के लिए हैं या भीख मांगने के लिए हैं, रास्ता ढूंढने के लिए हैं, पिता के साथ के लिए हैं। भिखारी के बच्चों से कुत्ते क्यों होड़ करते हैं, जूठी पत्तल छीनने के लिए, चढ़ाने के लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। झपट शब्द का समानार्थी क्या है, झपट शब्द का, तो यहाँ पे आपको पोएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समानार्थी शब्द डायरेक्टली आप ग्रामर का नॉलेज अगर आपको है तो आप वहाँ पे एक आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल गया सिक्स्थ का कि झपट का जो समानार्थी होता है वो होता है झपटना, क्या होता है, किसी से छीन लेना, ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर होगा। अब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि पोएम में किसके बारे में बात हो रही होगी, क्या बातें हो रही होगी। तो यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े उससे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ भिखारियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में भिखारी के ऊपर एक बात पूछी गई है। अब हम आते हैं हमारे पद्यांश पे, पोएम पे, ठीक है, इसको रीड कर लेंगे अब हम बहुत ध्यान से। एक बार या दो बार मिनिमम आपको इसको टू टाइम्स तो रीड करना ही है पोएम को। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छे से किया हुआ है तो आप इसको थ्री टाइम्स भी रीड कर सकते हो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुटकिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे भी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। अब आप ये पोएम को जब मैंने एक बार पढ़ा है क्योंकि मैंने पोएम को पहले भी पढ़ा हुआ है तो मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको दो या तीन बार जो भी आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है उतनी बार उसको रीड कीजिए। और अब आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे, अब आप देख लीजिए, वह आता पछताता आता, ठीक है, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके साथ दो बच्चे हैं जो भी, तो पूरे पोएम में एक बात हो रही है, क्वेश्चंस में भी बात हो रही है कि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि किसी भिखारी के बारे में बात हो रही है और उसके साथ जो दो बच्चे हैं वो भी उसके साथ भीख मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो दूसरों से भीख मांग रहे हैं तो कई बार उनको मिल रही है, कई बार नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो वो सड़क के आसपास जूठी पतलें पड़ी रहती हैं, उनको कई बार चाटते हैं और उनको भी जब वो चाटते रहते हैं तो सामने खड़े हुए कुत्ते भी जो हैं उनको उनसे झपटने के लिए अड़े रहते हैं कि ये भी हमें दे दो। तो इस तरह से अगर हम पूरी पोएम के ऊपर जाते हैं तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इस पद्यांश का शीर्षक होगा क्या, गरीबी इसका शीर्षक होगा, विषमता या भिक्षुक या बेबसी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं कि ये भी फिट हो रहा होगा, ये भी फिट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं पोएम में बात हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वो आंसर चूज़ करना है जिसका जो पूरे पोएम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा शीर्षक लेना है जो पूरे पोएम के साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरे पोएम में गरीबी की बात हो रही है लेकिन उस गरीबी को एक 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 हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द में उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है और वो शब्द जो है गरीबी को जो दर्शा रहा है वो है यहाँ पे भिक्षा मांगना। तो गरीबी से ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो है यहाँ पे वो क्या है, वो है भिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शीर्षक होगा वो होगा क्योंकि वो आता, ऐसी बात हो रही है ना, वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, तो किसी पर्सन को जो है पूरे पोएम में लिया गया है और वो पर्सन है भिक्षा मांगने वाला, तो इसलिए यहाँ पे टाइटल होगा भिक्षुक,
पद्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है? सामाजिक विषमता पर, आर्थिक न्याय पर, राजनीतिक सत्य पर या मध्यवर्गीय जीवन पर? तो इसका तो सीधा आंसर हमें मिल रहा है सामाजिक विषमता पर, जो विषम विषमताएं हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह की, मतलब कोई गरीब है कोई अमीर है समाज में, ठीक है, उनकी उन विषमताओं पर जो है वो बात हो रही है। किसी के पास खाने को बहुत कुछ है, किसी के पास एक दिन का एक टाइम का खाना नहीं किसी को मिल रहा है, ठीक है, कोई जो है अपना खाना इतना वेस्ट करके कूड़े करकट में डाल देता है और किसी को जूठी पत्तल चाटनी पड़ती है। तो ये विषमताएँ जो है, इन विषमताओं के ऊपर जो है वो बात हो रही है। भिखारी की इच्छा है, उसको सोना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बहुत डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे, उसको अनाज पाने की इच्छा है। बच्चे भिखारी के साथ क्यों हैं? क्या वो घूमने के लिए हैं, रास्ता ढूंढने के लिए हैं, भीख मांगने के लिए हैं या पिता का साथ? क्योंकि वो भी भूखे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसके साथ भीख मांगने के लिए हैं कि उनको भी कुछ खाने को मिले। भिखारी के बच्चों से कुत्ते क्यों होड़ करते हैं? तो यहाँ भी क्लियर आंसर दिया हुआ है वहाँ पे, जूठी पत्तल छीनने के लिए। और सिक्स्थ का आंसर तो हमें पहले ही मिल चुका था कि झपट का मतलब होता है छीनना। तो इस तरह से आपको पोएम को पढ़ना है, तो मैं आप ये गारंटी के साथ मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर इसमें से आपको सिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं पद्यांश के, और आप इन टिप्स को जो मैंने आपको दिया है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर पैराग्राफ पे जाना है, ठीक है, पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स को देना है, टाइटल जो है पूरे पोएम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि टू और थ्री लाइन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए हैं तो अगर सिक्स क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स जो हैं आपके वहाँ पे पक्का आपको मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक पद्यांश को पढ़ने की कोशिश कीजिए, इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए। अगर आपको, मैं मान रही हूँ कि शीर्षक को बताना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है और कई बार ये बहुत ही डायरेक्ट भी होता है, शीर्षक का क्वेश्चन अगर आपका एक गलत भी हो जाता है फिर भी आपके 5 मार्क्स जो हैं, या 4 मार्क्स अगर 5 के लिए पूछा गया तो 4 मार्क्स आपके वहाँ पे पक्का होते हैं। ये आपको फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरह से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 to 4 मिनट्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। सो ये है आज का हमारा टॉपिक, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अपना कमेंट ज़रूर देना मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करने की। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।